फिर से आपका स्वागत है चैनल चौपाती पर। मेरा नाम है पामियल। वेलकम टू अवर शानदार जानदार खतरनाक एंड हॉरर रोब्लॉक्स की दुनिया। एंड वंस अगेन गाइस, हम लोग घुस चुके हैं स्केरी लैरी की दुनिया के अंदर। एंड गेम ने मेरे को एक बार फिर से दो ऑप्शन देकर रखे हैं, तो मैं यहाँ पर बच्चा बन के गेम खेल सकता हूँ, जो कि मेरे को बिल्कुल भी शौक नहीं है। अभी प्रॉब्लम पता है क्या, ये मेरे को लॉलीपॉप दे रहे हैं। अब मैं इनको कैसे समझाऊं कि मैं स्केरी लैरी के जब वो खतरनाक वाले गुंडे आएंगे तो उनके मैं लॉलीपॉप दे के नहीं मार सकता, तो तभी हम एडल्ट बन के ये गेम खेलेंगे। और मेरे पास आ चुका है खतरनाक वाला बेसबॉल बैट। एंड हैंग ऑन अ सेकंड, ये स्केरी लैरी ने यहाँ पर इतना बड़ा म्यूजियम बना के रखा हुआ है। भाई मेरे को तो ये पता भी नहीं था, भाई स्केरी लैरी ने एकदम से तरक्की यहाँ पर करके रखी हुई है। और बहुत सारे बंदे ये सोच रहे होंगे कि मैं ऑलरेडी स्केरी लैरी की एक बारी वीडियो बना चुका हूँ, पूरी गेम कंप्लीट कर चुका हूँ, तो मैं अब की बारी ये सेकंड वाली वीडियो क्यों बना रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि स्केरी लैरी के वर्ल्ड के अंदर ब्रेक इन टू के अंदर दो नई एंडिंग्स आ चुकी हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है ओरिजिन एंडिंग फाइनल अपडेट आउट नाउ। तो बेसिकली यहाँ पर टोटल अभी तीन एंडिंग्स हो चुकी हैं। एक हम कर चुके हैं जो कि है गेम की नॉर्मल एंडिंग, और दूसरी एंडिंग है यहाँ की सीक्रेट एंडिंग। ब्रो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ सीक्रेट एंडिंग खेलने के लिए। और सीक्रेट एंडिंग के साथ एक और एंडिंग भी है, और वो है ईविल एंडिंग। वो अभी मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं कौन सी एंडिंग खेलूंगा। और हैंग ऑन अ सेकंड, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ क्या? कमिंग सून। ओके, तो मैं अभी डिसाइड नहीं कर सकता कि मेरे को कौन सी एंडिंग खेलनी है। तो बेसिकली जब मैं गेम खेलूंगा ना, तो गेम के अंदर वोटिंग आएगी, तो हम सब ने मिलकर डिसाइड करना है कि हमने इस वाली एंडिंग के अंदर कौन सी एंडिंग खेलनी है। तो यार मेक सेंस नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग समझ गए। और ये रही मेरी बस, काम करता है फटाफट से गाइस, बस के अंदर एक हॉट सीट पकड़ लेते हैं। और मैं चाहता हूँ गाइस कि बस निकलने से पहले, मेरे को पता है कि बहुत सारे बंदे जो है चैनल के ऊपर नए हैं, तो बस निकलने से पहले जितने भी बंदे नए हैं फटाफट से गाइस नीचे जाकर सब्सक्राइब का बटन दबा दो, और पूरे पॉपकॉर्न चाय वगैरह पकड़ लो, पकौड़े सकोड़े पकड़ लो, क्योंकि मेरे को पता है कि इस वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। भाई मैं चाहता हूँ कि सीक्रेट वाली एंडिंग आ जाए। और हमारी बस भी एकदम से फुल हो चुकी है, और फंडा अभी आप लोग समझ चुके हो, हमारी बस जा रही है कैंपिंग पर, और संभव हमारी बस ठुक जाएगी कहीं ना कहीं, और हमें यहाँ पर एक सीक्रेट लैब के अंदर जाने का मौका मिलेगा, और वहाँ पर हमको मिलता है ईविल स्केरी लैरी, और उसको हमें डिफीट करना है। तो ये बेसिकली गेम का फंडा है। एंड लेट्स गो। और आते यार, व्हाट इज दिस भाई, ये किसके बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं? स्कूल जाने का टाइम हो चुका है तुम लोगों का, ये स्केरी वाली गेम के अंदर तुम लोग कर क्या रहे हो? तेरे को बहुत जल्दी है भाई, ये छुटके को बहुत ज्यादा जल्दी है। और ये रे गाइस हमारी स्केरी लैरी की खतरनाक वाली दुनिया। वो ये देखो लॉलीपॉप घर पे छोड़ के आना, ये ऐसा कौन सा लॉलीपॉप खा रही है यार, जिसको खा के इसको स्पीड पोशन मिल रहा है। बट एनीवेज गाइस, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी गेम की हेल्थ यार 30% इन लोगों ने ऑलरेडी कम करके दे के रखी हुई है। मैन गेम की शुरुआत ही खराब हो रही है। ओके अभी फुल ऑन कॉन्सेंट्रेशन। और गाइस आपने नोटिस किया, यहाँ पर एक क्रोब आ रहा है पेड़ के ऊपर, देख रहे हो यहाँ पर लगी हुई है। ये देखो यहाँ पर पेड़ के ऊपर क्रोब आ रहा है, और ये तो मेरे को याद है। और अभी सबसे पहले जाकर ना मेरे को थोड़ा बहुत स्ट्रांग होके क्रोबार को लेना है, ठीक है? और मेरे को सबसे पहले, ये कौन सी बोतल पी रहा है तुम लोग? भाई मेरे को भी ऐसी ऐसी चीजें दे के रखो ना यार। आई थिंक उन लोगों ने जो है लैब में से, नॉट लैब में से, लॉबी में से बाय करके रखी होंगी। और यार गाइस आगे बढ़ने से पहले यार मैं थोड़े बहुत यहाँ से पैसे पूसे चख लेता हूँ, क्योंकि आपको तो पता है ना कि स्केरी लैरी और ब्रेक इन ऐसी गेम है जहाँ पर आपको खाना पीना भी चाहिए सर्वाइव करने के लिए, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको सर्वाइव करने के लिए पैसे भी चाहिए। ये भी ले लो एंड ये भी ले लो। और अभी फटाफट से गाइस मेरे को ऊपर जाके थोड़ा बहुत जिम लगाना यहाँ पर, कम ऑन। अबे कोई ना कोई तो लाइट ऑन कर दो। अच्छा ये लोग पहले ही पहुंच चुके हैं। वे व्हाट भाई, ऐसा भी होता है, मेरे को पता भी नहीं था। आई थिंक ये गेम्स के मैकेनिक के एकदम से बाहर जा रहे हैं हम लोग। भाई इन लोगों को बहुत ज्यादा शौक चढ़ रहा है यहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह पूरी करने का, वो तो एकदम से चमक के एक्सरसाइजिंग कर रहा है। नाइस। ओके अब यहाँ पर अपना स्क्रीन के ऊपर आने वाला बड़े अक्षरों में ब्रेक इन टू इंट्रो, ये तो मेरे को याद है। और यहाँ पर मेरे को याद था कि यहाँ पर लास्ट टाइम इन लोगों ने ना कुछ एक मिनी गेम लगा कर रखी हुई थी, तो बेसिकली आपको उस मिनी गेम के ऊपर क्लिक करना था और वहां से पोस्टर्स नीचे गिरते थे। और सर्जी किचन के अंदर और डॉगी और ये वाले गुंडे लोग। तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि मिनी गेम खत्म करने के बाद मे भी आपको कुछ ना कुछ प्राइज मिलता होगा, मेरे को वो याद नहीं है। बट एनीवेज अपना इंट्रो यहाँ पर जो है खत्म हो चुका है ब्रेक इन टू। और अभी अरे यार मेरे को इन लोगों ने यहाँ से निकाल दिया, और चले जाओ गेम के मैकेनिक के खिलाफ है।
और चले जाओ। ओके गाइस, अभी मेरे को अपनी हेल्थ लेके जानी है, अपनी स्ट्रेंथ लेके जानी है 2 तक। अभी मैं लेवल 1 पर आ चुका हूँ, तो मेरे को इसको लेवल 2 तक लेके जाना है, तभी मैं बाहर जाके वो क्रोबर ले पाऊंगा। और यहाँ पे बाहर वाला दरवाजा भी खुल चुका है और ठीक मेरे सामने अंकल पीट को छुड़ाया जा रहा है। ये देखो अंकल पीट, अगर आपको पता नहीं होगा तो अंकल पीट यहाँ कर एक बहुत जांबाज सोल्जर है यहाँ के, और फिलहाल वो पिंजरे के अंदर बंद है। मेरे को पता है ये जांबाजी का सबूत नहीं है। ओह, मेरे पास डबल स्ट्रेंथ तो आ चुकी है, तो क्या मैं जाके वो ले सकता हूँ क्या क्रोबार? एक और कर लेते हैं जस्ट इन केस, या एक और कर लेते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मुझसे पहले कोई और जाके क्रोबार ले ले। और अंकल पीट क्या सीढ़ियों से नीचे गिरे यार, हल्के आटा है अंकल पीट भी यार। ओ कम ऑन क्विक, मेरे पास बूस्ट आ चुका है, लेट्स गो 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 जल्दी। अरे लेट्स गो, अपनी 30% अपने जो है स्ट्रेंथ यहाँ पर ग्रो करके रखी हुई है। और बहुत से बंदे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ट्रेडमिल के ऊपर भी मेहनत कर रहे हैं। आई थिंक ट्रेडमिल एकदम से वेस्ट ऑफ टाइम है, मेरे को ट्रेडमिल के ऊपर फिलहाल जो है टाइम पास नहीं करना। अभी इसके पास ये बूस्ट आ चुका था, बेसिकली बूस्ट का मतलब ये है कि जैसे ही गाइस बूस्ट आया ना, अपने एकदम से फास्ट क्लिकिंग करनी है, लाइक इस लेवल की क्लिकिंग करनी है कि अपने माउस ही तोड़ देना, प्लीज़ तोड़ना मत, ठीक है मैं ऐसे बोल रहा हूँ। तो फास्ट क्लिकिंग करोगे तो नीचे आपका बार जो है बहुत तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जितना तेज ऊपर गया क्लिक। अरे यार थोड़ा सा रह गया मैन, और अभी तक मेरे को लगता है कि अभी तक कोई बाहर नहीं गया, और मेरे को वो क्रोबार लेनी है किसी भी हालत में। कम ऑन, आई थिंक वी डूइंग गुड सो फार, पूरा सिस्टम जो है अपने कब्जे में है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर क्रोबार किसी और ने ले भी ली ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग का फंडा यहाँ पे जो है समझ चुके चुके, टेंशन नॉट। लेकिन फिलहाल आई डोंट थिंक कि क्रोबार किसी ने लेके रखी हुई है। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। आंटी जी जा रही है? नहीं आंटी, अच्छा बच गई बच गई। ओके फिलहाल क्रोबार लेने कोई नहीं गया, आई थिंक मैं अभी जाके क्रोबार ले सकता हूँ यहाँ से जंप। और गाइज ये जगह पार करने के लिए ना ये लोग बोल के रख रहे हैं, लाइक ब्रेक इन वालों ने बोल के रखा है कि स्पीड रिकमेंडेड है, और मेरे पास स्पीड भी नहीं है मैन। जंप, ओके इट्स ओके, यहाँ पर मेरे को हिट लेना ही था, मेरे पीछे तो कोई नहीं आ रहा ना। अच्छा मैं क्रोबार लूँ कैसे, पेड़ के ऊपर चढ़ के लेनी है क्या? ओ पेड़ को मार के क्रोबार लेनी थी, और आपने नोटिस किया कि मेरे पास सीक्रेट एंडिंग की एक आइटम आ चुकी है, और यहाँ पर एक डोर था वो भी खुल चुका है। एक काम करते हैं, मैं एक सेब खा लेता हूँ, जो कि मेरे को अपनी हेल्थ जो है यहाँ पर इंक्रीज करनी है। और ये देखो ये छोटा सा बंदा जिसने स्केरी लैरी की टोपी चोरी करके रखी हुई है, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके देखूँ ना क्या कर रहा है, ही वॉन्ट गिव यू द हैट, ही वॉन्ट पिज्जा, तेरी भैंस की आँख। होता है ना कभी कभी जो है गाइस, लातों के भूत जो है बातों से नहीं मानते, तो उनको समझाना पड़ता है। ओके 2 आइटम्स मेरे पास आ चुकी हैं, और अभी मेरे को यहां से 3rd आइटम लेनी है। डोंट गो टू फास्ट व्हाइल इन द मड, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, मैं पहले ही फास्ट नहीं जा पा रहा यार। ओ मैं डैमेज कैसे ले रहा हूं, होली क्रैप, मेरे को वहां पर जाके उसका मास्क भी लेना है। ओ नो वेव आ चुकी है, कम ऑन प्लीज मेरे को मास्क लेने दो उसका, आई एम सो क्लोज, मैं बहुत ज्यादा डैमेज दे रहा हूं यहां पर। एंड लेट्स गो, मेरे पास 3 आइटम्स यहां पर आ चुके हैं स्केरी लैरी की, लेट्स गो। और अभी मेरे को समहाउ अपने आप को अंदर लेके जाना है, आई थिंक ये गेम मेरे को, अरे उनकी फौज भी आ चुकी है, मेरे को गाड़ी की आवाज़ें यहाँ तक आ रही हैं यार, वो मेरे को बाहर ही मार देंगे, मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है और मैं सम हाउ डैमेज भी ले रहा हूँ यहाँ पर। मैन कुकीज़ खाओ कुकीज़ खाओ, दरवाज़ा खुला हुआ है, जल्दी कर, तू इतना क्राउच करके क्यों जा रहा है भाई? वो देखो उनकी गुंडों वाली गाड़ी भी आ चुकी है, प्लीज़। अगर उन्होंने मेरे को यहाँ पर देख लिया ना, तो अंदर जाने की जगह मेरे को यहाँ बाहर आके मार देंगे, और मैं अंदर नहीं पहुँचा तो उसका डैमेज ही मेरे को मिल रहा है। नहीं Come on, go in, go in. दरवाजा बंद कर दे क्या उन लोगों ने? नहीं दरवाजा अभी तक खुला हुआ है, तो so far I'm doing good. मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है यार, गुड जॉब।
ओके मैं बहुत ज्यादा डैमेज ले रहा हूं। तो वेव वन कंप्लीट, लेट्स गो। नाइस। अभी मेरे को जाके अंकल पीट से मिलना, क्योंकि मेरे को पता अंकल पीट जो है टाइम टाइम से मिशंस भी देता है। तो हमने गाइस पहली वेव यहां पर कंप्लीट कर दी, और अभी मेरे को अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि मेरे पास हेल्थ नहीं है। लाइक लिटरली हेल्थ नहीं है मेरे पास, मैं मरने वाला हूं। 30% मेरे पास हेल्थ बाकी है। और आंटी जी मेरे को हील कर दे प्लीज। अरे इसको क्यों हील कर रहे, मेरे को हील कर, मेरे पास हेल्थ भी नहीं है मैन। क्रैप। और ये रहा गाइस नया इवेंट आ चुका है, वेदर इंप्रूव्ड। नाइस नाइस। मैं बारिश के अंदर गया, मेहनत से इतनी मैंने मेहनत की, अपने आप को बाहर पहुंचाया और बारिश खत्म। देख रहे अपना लक कितना ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब है अपना लक यार, वाकई में बहुत ज्यादा खराब है। और आंटी जी सबको हील कर रही है मेरे को छोड़ के मैन। लेकिन इट्स ओके, मैं फिलहाल गेम का बहुत ज्यादा स्ट्रांग बंदा हो चुका हूँ। अरे बूस्टर आ गया, प्लीज लेट्स गो। मेरे को भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मेरे को भी ना इसके बाद जाके अंकल पीट के मिशन करने हैं। आपको पता है कि अंकल पीट बेसिकली गेम का लेस्टर है, आपको वो छोटे छोटे मिशंस देगा, और जैसे ही वो मिशंस आप कर लेते हो ना, तो आपको उसका रोकड़ा भी मिलेगा। एंड रोकड़ा आपको पता है इज रियली इंपॉर्टेंट। कम ऑन लेट्स गो। मेरा लिटरली हाथ दुख रहा है यार, डंबल्स चकते चकते मेरा हाथ दुख रहा है। और इन लोगों ने डंबल्स का वेट भी जो है पूरा इंक्रीज करके रखा हुआ है। ये देखो तीन तीन बार उठा रहा हूँ मैं, और ये मेरे बाजू वाला दो बार उठा रहा है। बट इट्स ओके इट्स ओके। मेरे को पता है कि गेम को पार करने के लिए हमें मेन चीज़ है स्ट्रेंथ। ऑब्वियसली आपको स्पीड भी चाहिए, बट जैसा मैं बता चुका हूँ स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप बाहर जाके मिशंस वगैरह करते हो ना, लाइक बाहर डार्कनेस के अंदर अगर आप कमरा छोड़ के मिशंस वगैरह करते हो, तब मे बी आपको स्पीड वगैरह चाहिए होगी। अभी मैंने कमरा नहीं छोड़ना, क्योंकि अपना जो मेन फंडा था ना बाहर जाके वो स्केरी लैरी की चीज़ें लेके आनी, वो हमने कर दिया। बाहर एक डॉगी भी है, मैं फटाफट से उससे मिल के आता हूँ। ये काम करने दो ना, मैं उससे मिल के आता हूँ। इसके बाद मेरे को अंकल पीट के मिशंस भी करने हैं, थोड़ा बहुत रोकड़ा वहाँ से भी लेते हैं। और मेरे को पता डॉगी ना खतरनाक वाली आइटम देगा, और आई थिंक मे बी डॉगी को कुकी चाहिए होती है। राइट, डोंट वरी, बस एक बारी और बूस्ट आ जाना यहाँ पर। आ गया मेरा माउस जवाब देने वाला आज यहाँ पर। Come on, सिर्फ 10% बचा हुआ है यहाँ पर, let's go। अरे सारा पिज्जा तुम लोग खा जाओगे यार, किचन के अंदर पड़ा हुआ है, पर एक स्लाइस तो मेरे लिए छोड़ दो, मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा कम है। नूबड़े बंदे सारा पिज्जा मेरी आंखों के सामने खा रहे हैं वो लोग। छोटे बच्चे पूरा पिज्जा मार गए पूरा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेरे को एक्चुअली पता है पिज्जा कहाँ मिलता है यहाँ पर। एक और करना मेरे को, सिर्फ एक और। Come on, one more push. अभी आता है final push. Let's go. अभी बन चुके हैं हम super strong बंदे। कोई नहीं खाएगा वो पिज्जा। किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की ना तो मैं हाथ तोड़ दूंगा कसम से इसके। Let's go. अरे मैंने ये वाले ड्रॉ देखे भी नहीं, क्या पता यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान मिल जाए। नाइस, सेव मिल चुका है यहाँ से, फटाफट से सेव भी दे लेते हैं, पैसा भी चख लो एंड और पैसा भी चख लो, क्या बात है। अरे बैठना नहीं तेरे को, सबसे पहले पिज्जा कट को यार। हेलो अंकल पीट, मेरे को अपना मिशन देना। तो अंकल पीट ने मेरे को बोल कर रखा कि तेरे को तीन बैड गाइज मारने हैं। अरे तीन बैड गाइज क्या, हम 300 बैड गाइज मार लेंगे। और ये रहा, यहाँ से मेरे को पता लगने वाला कि गेम का सबसे खतरनाक वेपन कौन है, नॉट कौन है, कौन सा है। तो गेम का सबसे खतरनाक वेपन है बेसबॉल बैट, और ऑब्वियसली मेरे पास है वो बेसबॉल बैट। अरे वेव आने वाली है, क्विक निकल 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 निकल, क्योंकि अगर ये दरवाजा बंद हो गया ना तो मेरे को पूरा डैमेज मिलेगा यहाँ पर। लेट्स गो, ये भी खा लो एंड साथ के साथ कुकी। ओके मेरे को फिलहाल कुकी नहीं खानी, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर मैं ये कुकी डॉगी को दूंगा ना तो मैं डॉगी को टेम कर सकता हूँ। लेट्स गो। वैसे डॉगी को मैं क्या ही टेम करूंगा, अपना खुद का टेम खराब चल रहा है, हेल्थ है नहीं। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, अभी मेरे को बंदे मारने, और मेरे को पता बंदे मारने से भी जो है रोकड़ा ज्यादा मिलता है। कम ऑन आ जाओ। अबे तू क्या प्रैक्टिसिंग कर रहा है, एक काम करते हैं गाइस, मेरे को युद्ध में पढ़ना ही नहीं है। ओ भाई वैसे मेरे पास जान तो बहुत ज्यादा है, मेरी भैंस की जान। आ
अरे तो मैं छक्के ना छुड़ा दूं यहाँ पर हैं अंकल, पीठ का मिशन भी तो करना ना मेरे को यहाँ पर, देख रहे हो। तो साथ ही के साथ गाइस मैंने अंकल पीठ का मिशन भी कर दिया और अंकल पीठ थैलिया भर भर के पैसे दे रहे हैं। लेट्स गो अंकल पीठ मेरी जान, एकदम नाइस। ओके अभी अंकल पीठ ने मेरे को नेक्स्ट वाला मिशन दे के रखा है और उन्होंने बोल के रखा है कि मेरे को 10 बंदे मारने हैं यहाँ पर, आ जाओ। तो गाइस आपको गुंडों की वेट नहीं करनी, अगर आप यहाँ पर जाओगे ना तो वहां से गुंडे निकलते हैं तो आप उनको मार सकते हो। आगे ना आइयो भाई, मैं बता रहा हूं तेरे को, आगे ना आइयो, मैंने वार्निंग दे के रखी हुई है। पंगे नहीं लेने तूने को यहां से, समझा क्या तू? लो एचपी, तू ना कर एचपी की तो बात ही ना कर, मेरा बीपी भी लो हो रहा है यहां पर। फाइटिंग देख रहे हो तुम लोग इसको? अंकल पीट के चक्कर में मैं मारा जाऊंगा, मेरे को पक्का पता है। आजा, कहां भाग के जा रहा है? योर एनर्जी इज वेरी लो। हाँ मेरे को पता है, तो एक काम करते गाइस, अभी मेरे को और पंगे नहीं लेने और बाकी के जो गुंडे आएंगे ना तो मैं उनको मार के जो है अंकल पीट का मिशन कंप्लीट कर लूंगा। मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा लो है यार, बहुत ज्यादा लो है। तो मेरे पास 270 कॉइंस आ चुके हैं। एक काम करते हैं, यहाँ वेंडिंग मशीन लगी हुई है ना, तो वेंडिंग मशीन में से थोड़ा बहुत खाना पीना निकाल लेते हैं। ओह यो, मेरे को चमत्कारी चीज मिली, नाइस। इसको मैं भाई 10 बार और खा सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, मैंने इनफ खा के रखा हुआ है, थोड़ा बहुत अभी इसको बचा के रखते हैं। और ये देखो स्केरी लैरी के छोटे छोटे फंडे, देख रहे हो? ये छोटे मोटे गुंडों के काम होते हैं। स्केरी लैरी को ये टुच्चे काम करते हुए शोभा नहीं देता, उसने पावर कट कर दी हमारी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, पावर कट हो गया तो टेंशन नॉट है भाई। पर अभी मेरे को गाइस बाहर जाना है। मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं डॉगी को टेम कर सकता हूँ या तो मैं वहां जाके अपने बाकी लोगों के लिए खाना लेके आ सकता हूँ। बाकी लोग गए भाड़ में, हम डॉगी टेम करेंगे यहाँ पर। लेट्स गो एंड जंप। अरे यार मैं बहुत ज्यादा डैमेज ले रहा हूँ, और ऑब्वियसली गाइस मैं डैमेज लूंगा ही लूंगा क्योंकि मेरे पास स्पीड नहीं है। मैंने अपनी पूरी जान जो है क्रैप, मैंने बहुत सारी मेहनत कर ली अपने अपर बॉडी पर, स्ट्रेंथ बढ़ाने पर। लोअर बॉडी पर तो मैंने बिल्कुल ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, अभी मैं अंदर आ चुका हूं और यहां पर मेरे को मिलने वाला डॉगी। ले ये पहले ही ये लोग डॉगी को लेके जा चुके हैं मैन, मतलब कितना डैमेज लिया फालतू में। ओह माय गॉड, मैं कितना खराब हूं इस गेम के अंदर। ओके अभी कुकी सेव करने का कोई फायदा नहीं है, तो मैं सारी कुकीज एक ही बार में गटक जाता हूँ यार, क्योंकि अगर मैं कुकीज नहीं खाऊंगा ना तो स्केरी डैरी के जो बदमाश गुंडे हैं ना पूरी बैंड बजा देंगे अपनी। ये बग हो गया क्या? ले गेम को लगता है कि अभी भी मेरे हाथ में जो है कुकी पड़ी हुई है। पर एनीवेज गाइस, मैं इस तरफ जाकर ना अपने बाकी साथियों के लिए खाना भी लेके आ सकता हूँ। बिल्कुल सामने मेरे सामने जो है पिज्जा का डब्बा मेरे को दिख रहा है, लेके आऊँ क्या? ले आते हैं यार। ऑब्वियसली गेम कुछ ज़्यादा ही हार्ड होने वाली है, मेरे को पता है कि आगे हमें बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग करनी है। तो मैं फिलहाल अपने साथियों के लिए पिज्जे का डब्बा लेके आता हूँ, बहुत काम आने वाला है पिज्जे का डब्बा अपने लिए। 2 ऑप्शंस हैं, या तो कोक की बोतलें भी हैं या तो पिज्जे का डब्बा भी है। पिज्जा ले लेते हैं। अरे यार कोई बात नहीं, इट्स ओके। अरे मैं पिज्जा मैंने गलती कर दी उठा के, बच गया। ओ माय गॉड, मैं बच गया लिटरली गाइस। शायद आपको पता नहीं होगा कि अगर आप यहाँ पर डैमेज लेते हो ना, लाइक अगर मैं ये पर्पल चीज के साथ लगता हूँ तो मेरा पिज्जा गिर जाएगा, मैं भी गिर जाऊंगा। और अगर मैं गिर गया तो मेरा पिज्जा मैंने जहाँ से उठाया बिल्कुल वहीं पर चला जाएगा, और ये मैं नहीं चाहता भाई। मैंने इतनी मेहनत करके रखी ना पिज्जे को लेके आने में, और मैं इसको भी पूरा खाने वाला हूँ। और इसी के साथ गाइस अपनी वेव नंबर 3 भी जो है गुंडों की आ चुकी है। भाई क्या स्पीड में आ रहे हैं यार लौंडे तो। ओके अभी मेरे को इतना पंगे नहीं लेने इन लोगों से क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा कम है। अरे तुम लोगों ने डॉगी उठा कर रखा हुआ, मेरे को पता भी नहीं था यार। चपाती गेमर फाउंड सम फूड आउटसाइड इन द किचन, नाइस नाइस।
सारी मेहनत तो हम लोग कर रहे हैं ना, अब की बारी गाइस मेरे को उनके मामले में नहीं पड़ना। वैसे छोटे मोटे गुंडे में मार देता हूँ, इतना मैं जिम गया हूँ भाई, कुछ तो फायदा होना चाहिए ना अपनी टीम को। नाइस, ऑलराइट। हाँ भाई, अभी हमारे पास दो चीज़ें आ चुकी हैं, अंकल पीड़ भी आ चुका है, साथ में डॉगी भी आ चुका है। हमारा एक बंदा कम है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अरे भाई, अंकल पीड़ को तूने मारा, तेरी भैंस की आँख। ओके गाइस, ये बंदा मामूली बंदा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदा है। तो बेसिकली अगर आपने इससे डैमेज ले लिया ना, तो आपकी इन्वेंट्री की जितनी भी आइटम्स हैं वो मे बी गिर सकती हैं, ऐसा मैंने जो है एनालाइज किया है। अभी देखना, ये देख रहा, कम ऑन, अभी आपने देखना है यहाँ पर, ठीक है। वैसे मरने वाला है ये, लेट्स गो। ओके, कुछ मत देखना, ये नूबड़ा बंदा, इसे कुछ नहीं होने वाला, लेट्स गो। अंकल पीट आ जा मेरी जान, ये ले पैसे निकाल, चल। अभी अंकल पीट मेरे को देने वाला मिशन नंबर 3। अभी मिशन नंबर 3 ये है कि ऊपर के सारे गार्ड्स हमने मारने हैं यार। अरे मेरे को चमत्कारी वाला कैन देना यार। और मेरे को याद है मैं पिज्जा लेके आया था, यहाँ पर डब्बे के अंदर मैंने छानबीन करके रखी है ना। यार एक काम करते हैं, पिज्जा खा लेते हैं। अरे मैं और भी ले सकता हूँ, अच्छा नहीं यार। ओके, अभी आ चुका है एंडिंग स्लेट करने का टाइम, दैट्स इनफ। तुमने मेरे को बहुत ज्यादा अनॉय कर लिया, आई हैव एक्सपेरिमेंट टू गेट बैक टू। तो बेसिकली ये लोग जो है कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और इसी के साथ इन लोगों ने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं एंड लेजर भी लगा कर रखती हुई है। और इसका मतलब ये है कि अभी हम यहाँ से एस्केप नहीं कर सकते। यस यस, यू आर इनक्रेडिबली क्लेवर। ओके, वो तो हम लोग हैं ना यार। अभी यहाँ से ये आंटी जी दरवाज़ा खोलेगी, और आई थिंक यहाँ पर हमें सेलेक्ट करनी है एंडिंग। ओके, सीक्रेट एंडिंग प्लीज, सीक्रेट एंडिंग हम करेंगे ब्रो, लेट्स गो भाई, लेट्स गो। क्या बात है, नाइस। तो मतलब कि सीक्रेट एंडिंग करने के बाद हमारे पास फिर भी एक मौका रह जाता है, और वो है ईवल एंडिंग करने का। ओके, वो तो ऑब्वियसली गाइस हम इस वीडियो के अंदर नहीं कर सकते, मे बी नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर करेंगे। वन लाइक फॉर द ईवल एंडिंग, और अगर आपको ईवल एंडिंग का पार्ट चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। और ये रही गाइस वो चीज़ें जो कि मैं बाहर से अपनी जान के ऊपर खेल के उठा के लेके आया था। तो ये रही मैंने यहाँ पर रखी हुई है स्केरी डायरी की हैट, उसका मास्क एंड उसका ये क्रोबार। और यहाँ पर मेरे को पता है अंदर शॉप बनी हुई है। अरे तुम लोग पागल हो, यहाँ पर शॉप के अंदर यार, अरे किसी ना किसी के पास तो चाबी होगी ना इसको खोलने के लिए। अरे अबे चाबी निकालो, अंदर मोटा माल मिलता है, मेरे को याद है। अरे मेरे को पैसे बाय करने हैं, मेरे को यहाँ से ले। किसी के पास इनफ पैसे है ही नहीं चाबी लेने के लिए। मैन, अंदर जाके गंदा पिटने वाले हैं हम लोग, पूरा गंदे लेवल का जो है अंदर पिटने वाले हैं। द डोर इज नाउ ओपनड, मेरे को लगता है किसी ने दरवाज़ा खोल दिया। नहीं यार, तो बेसिकली गाइस अगर वो चाबी लेते हो, अगर वो चाबी सामने वाले दरवाजे के ऊपर लगाते हो, तो वहाँ पर आपको मिलता है पिज्ज़ा, और वो कोई मामूली पिज्ज़ा नहीं है, वो है चमत्कारी पिज्ज़ा। और मैं कुकीज़ भी नहीं खा सकता। और ये रही गाइस स्केरी लैरी की आंटी जी और साथ में उसके गुंडे, और आई डोंट थिंक कि मैं ये पार कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है। यहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज मिलने वाला है, और मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है, और मेरे पास हेल्थ को रिकवर करने के लिए इतना सामान है भी नहीं। मैन, ओके लेट्स गो। लेकिन मेरे को अपने ऊपर पूरा भरोसा है, आई थिंक वी कैन डू इट। ओके, लेट मी गेट अ लुक एट यू। ओए, यू हैवंट ट्रेन्ड स्पीड। मेरे ऊपर हंस रहे हैं। मैन, मैंने स्पीड की ट्रेनिंग नहीं की। यू बेली हैव एनी फूड। ओ भाई, कितने ईवल हैं यार ये लोग। यू हैव डिस्कवर्ड द मोस्ट पावरफुल वेपन। ओके, बस एक बात तो है, वो लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं क्योंकि मेरे पास स्पीड की ट्रेनिंग नहीं है, मैंने अपनी लातों पर काम नहीं किया, और वो लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं कि मेरे पास इतना खाना पीना भी नहीं है। लेकिन उनको ये पता है कि मेरे पास गेम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन आ चुका है। एट द मोमेंट गेम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है अपना बेसबॉल बैट। भाई टेंशन नॉट भाई, जिस बंदे के पास बेसबॉल बैट आ गया ना, उसको स्पीड की और बाकी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है भाई।
को, मुझे इन लोगों के साथ पंगे लेना क्योंकि मेरे को पता कि बाद में मेरे को अपनी हेल्थ चाहिए। अरे मैंने डैमेज ले लिया, क्रैप। और अभी आंटी जी यहाँ पर लावा मारना शुरू कर देंगी, लेट्स गो। और लावा से बचना बहुत ज़्यादा ईजी है। तो बेसिकली यहाँ पर इन लोगों ने ना आपको थोड़ी सी गाड़ भी दे कर रखी हुई है और आपको सिर्फ आ गई। तो मैं ये बोलने वाला था कि आपको सिर्फ गाइड फॉलो करनी है और आप लावा से बच जाओगे। क्या से मटक मटक के आ रही हो, मजाक चल रहा है यहाँ पर? लेट्स डांस। ओके, टिंग 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 टिंग। अरे भाई अभी ये घुमा घुमा के सबको क्या लपेटेगी ना, ये सिर्फ मेरे को ही बता। सब बच के रहना गाइस। बस अपनी टीम तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अपनी टीम के अंदर बहुत ज्यादा बंदे हैं, तो अगर स्केरी लैडी के गुंडे आते भी है ना तो हम सबको मार देंगे। ये टाइपिंग में बिजी है, क्या लिख रहा है? ओ नो के लगते भाग, रुकना नहीं है भाई। रुक, इसको फटका लगा के आता। तेरी भैंस की आंख है, मेरे ऊपर हंस रही थी ना ये, है मेरे ऊपर हंस रही थी। ओके, फिर से इसका लावा वाला पंगा आ चुका है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ गाइस कि अपने लावा कैसे सर्वाइव करना, एकदम सिंपल होने का। अरे भाई तो ये वाली डंडी चमक रही है, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ से लावा निकलेगा। और लावा बैरियर कहाँ है लावा का? ओके, ये रहा बैरियर आ चुका है, तो मतलब कि लावा आके यहाँ पर रुक जाएगा। अभी कौन सी चमक रही है? अभी वो वाली के अंदर से जो है गाना बज रहा है, तो इसका मतलब ये है कि लावा सामने से आने वाला है। लेट्स गो। सो अबे तू ओ नो टाइपिंग करना बंद कर दे, मर जाएगा अपना बंदा। सारे गवार बंदे जो है मेरे को ही देख रखती है गेम। ओके सो, और तेरी पूरी टीम मर जाएगी यार, तुम लोग पागल हो कि गधे हो? पहले मेरे को ये बताओ, तुम लोग नूबड़े बंदे होते हैं ना। और अभी आंटी जी छलांग मारेंगे, लेट्स गो। इसका एक हार्ट हम कम कर चुके हैं, नाइस। ओके, अभी मटक मटक के नहीं चल रही है, अभी भाग भाग के आ रही है। ओके समझ गई, लेट्स डांस अ लिटिल फास्टर। ए इतना फास्ट मत जाइए भाई, मेरे पास स्पीड भी नहीं आंटी। ओके, अरे तेरे को चक्कर भी नहीं आते क्या? आई थिंक ये बारी बारी सबके ऊपर हमला कर रही है एक एक बारी। ओके, अभी उसके ऊपर हमला करेगी, अभी आई थिंक इसके बाद मेरी बारी आने वाली है। देखा, एकदम मेरे पास में से जाएगी और मेरे को कोई रिस्क नहीं लेना। मेरे को उतरी उतरी। अरे यार, ये स्पाइक्स के ऊपर अगर आप लग गए ना तो आई थिंक आपको 10 points लाइक 10 damage जाएगा। ये बंदा मरने वाला भाई, इसके ये 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 इसके दिमाग में जो है पक्का गोबर भरा हुआ है, ये मरने वाला। ये देखो, अभी ये देखो, उफ, शो ऑफ देखो कैसे कर रहा है यार इतना बंदा भाई। हेलो, देख मेरे भाई देख, तू पहले तो बहुत मार खा चुका है, तेरा पूरा मुंह लाल हो चुका है। आई मीन नॉट लाल, काला। ओके लेट्स गो, अब की बारी मैं बीच में खड़ा होऊंगा क्योंकि मेरे को लगता है कि अभी वोल्केनो कुछ ज्यादा तेजी से आने वाला है। नॉट वोल्केनो, लावा। अबे तू लावा भाई मर गया ना, मर गया ना, तेरे को मैंने बोल कर रखा था कि ज्यादा टशन नहीं मारते। ये देखो झाड़ू लेके आ चुकी है, पर स्केरी लैरी को मारना कम है क्या? और मैं मरने वाला हूं गाइस। लावा अब की बारी ये बहुत ज्यादा तेजी के साथ यहाँ पर लेके आ रहे हैं यार। कम ऑन, पूरी टीम मर रही है अपनी, क्या पागलों के साथ वास्ता पड़ा हुआ अपना यार। मेरे को स्पीड के ऊपर ट्रेनिंग करनी थी यार, ये कहां घुस गई है? ओके टेंशन नॉट, सो फार वी आर डूइंग गुड, सो फार वी आर डूइंग गुड। और अभी आंटी जी और ज्यादा तेजी के साथ डांस करेगी। तेरी चाबी किस, तेरी पहले मेरे को ये बता कि तेरी चाबियां कौन घुमा रहा है पीछे से। ओके टाइम फॉर द फाइनल डांस। ओके अभी तो गाइस रोजेस भी आ चुकी हैं, ओह माय गॉड। और ये पता है आपको, ये रोजेस फटते भी हैं। हॉली आंटी, हॉली भाई, इतना ज्यादा तो मैं अपनी शादी में ना नाचूं जितना ये यहां पर नाच रही है। ओ माय गॉड, पूरी टीम खाने वाली आंटी, लिटरली पूरी टीम खाने। ओ माय गॉड, मैंने डैमेज लिया क्या? ओके बच गया। अरे बंदे बेहोश करके उसके ऊपर लट्टू मार रही है, चक्कर आ गए ना, बैटरियां खत्म हो गई ना। ले अब तेरी चाबी कौन घुमाएगा बता मेरे को। ओके गाइस, अभी कुछ ना कुछ नया होने वाला है। हुआ क्या?
मेरे को याद, अरे नहीं मैं लावा के बारे में तो भूल ही गया था मैन। अभी मेरे को याद है कि लास्ट वाली वीडियो में यहां पर स्केरी लैरी आया था, अभी क्या आने वाला पहले मेरे को ये पता। ए हंस मत, ठीक है टेंशन नॉट ब्रो, टेंशन ना, अभी बिच्छू गांव के बंदे अभी जिंदा है भाई, लेट्स गो। अभी कुछ ना कुछ नया आने वाला है, और अपना जो है आप देख सकते हो गाइस, अपना स्टेज भी जो है, अपना सर्वाइवल वाला एरिया भी कम हो चुका है, तो मतलब कि अभी करो या मरो। मेरी स्पीड बहुत कम है ब्रो, बहुत कम है मेरी स्पीड। तो बेसिकली शुरुआत के अंदर जो मैंने बोल कर रखा था ना कि स्पीड के ऊपर टाइम वेस्ट करना, नहीं टाइम वेस्ट नहीं है, स्पीड भी चाहिए आपको। ओके अभी क्या होने वाला, वेट व्हाट, ये तो सेम एंडिंग है भाई। Sorry about this. It's okay, scary lari. It's okay, don't worry. How cute. लेकिन hang on a second. कुछ ना कुछ change मैंने देखा. Scary lari के हमने थोड़ी बहुत तारे वगैरह जो है change करके रखी हुई हैं. Help. Let's go. तो हमने कुछ ना कुछ तो किया. Help me. अरे हम तेरी, आई थिंक मेरे को लगता है कि स्केरी लैरी हमें कुछ ना कुछ बताने की जो है कोशिश कर रहा है। अरे नूबड़े हम यहाँ पर तेरी हेल्प करने के लिए आए हैं यहाँ पर, हेल्प मी। अरे पागल बंदे, ये ऐसा बंदा है जो हेल्प मी चीखे मार रहा है और हम इसकी, ओह अरे हमारी चीजें भी लोड हो चुकी हैं यहाँ पर। फायरवर्क्स, व्हाट Have you done? अरे यही तो अपना सीक्रेट प्लान था। अरे एक्चुअली में हम स्केरी लैरी की हेल्प कर रहे हैं क्योंकि हमें पता लग चुका है कि सारी इवल, सारी फसाद की जड़ तू ही है। हमें स्केरी लैरी की यहाँ पे हेल्प करनी है। अब ये कौन सा फंडा है? ओके तो बेसिकली आई थिंक यहाँ पर कुछ ना कुछ गिरेगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ आने वाला है, तो ये हमें हिंट दे रहे हैं यहाँ से बचने की। Oh my God! भाई टाइम तो दो ना ब्रीथ करने का। पिज्जा खा ले, पिज्जा खा ले, पिज्जा खा ले। होली शिट, ये कितनी ईवल हो चुकी है यार ये। कम ऑन, ओ माय गॉड, मेरे को लगा था कि मैंने डैमेज ले लिया लेकिन बच गया ब्रो। दिस इज गेटिंग सुपर स्केरी। ओके तो बेसिकली उस तरफ जो पैटर्न है ना वही पैटर्न हमें यहां पर फॉलो करना है खुद को बचाने के लिए। Let's go. Let's go. I spent so long experimenting on him. अच्छा तो ये आंटी जी स्केरी लैरी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही थी ब्रो, तभी वो ईवल बन चुका है। ओ माय गॉड, ये आंटी पागल हो रही है। अबे बवंडर आ जाएगा, मत कर। What? ओके वो जो घूम रही है ना उसे घूमने से टोर्नेडो आ रहा है, और ऑब्वियसली गाइस जब टोर्नेडो आता है तो बिजली में कड़कती हैं। और हमारा एक बंदा और गया मैन। अरे तू टोर्नेडो लाना बंद कर भाई, हम बहुत ज्यादा डैमेज ले रहे हैं। अरे मैं पागल हूं, मैं वहां पर खड़ा हूं। कॉन्सेंट्रेट ब्रो, कॉन्सेंट्रेट। अरे नहीं, ओ माय गॉड, मैं वहां पर था भी नहीं। होली शिट गाइस, मैं गया, मैं जाने वाला हूं, सिर्फ मैं ही बचा हूं ब्रो, सिर्फ ब्रोस मैं ही बचाओ ब्रो। आई एम डेड। मैं गया ब्रो, मैं गया। आंटी जी बस कर, मैं जाने वाला हूं। तेरे को तेरी मम्मी की कसम आंटी, बस कर ले भाई, अबे कितना घूमेगी तेरे चक्कर, घिंडी के चक्कर में मैं चक्कर में फट चुका हूं, बस कर ले। नहीं अच्छा घूम, ऊपर से घूम। Why won't you die? मैं भी हरा हूं कि मैं बचा कैसे हूं अभी तक। नहीं, you can't respawn at that point. Okay, bros, अभी मैं उसी लेवल पर आ चुका हूँ जहाँ पर इसने मेरे को लास्ट टाइम मार कर रखा था, और इसका बवंडर अभी तक बंद ही नहीं हो रहा। ओह तेरी, डराने की कोशिश कर रही है मेरे को। तेरे को पता ना मेरी इन्वेंटरी के अंदर एक गोल्डन पीस है और साथ के साथ एक चूहा भी आ चुका है। ज्यादा पंगे लेने की कोशिश की ना तो ये चूहा मैंने तेरे पतलून के अंदर छोड़ देना है। वो तेरी स्पाई के मारने की कोशिश की जा रही है मेरे ऊपर। इतना मत घूम भाई, इतना मत घूम, चक्कर आ जाएंगे भाई। तेरा घूमी घूमी देख के ना मेरे को चक्कर आ रहे हैं यहाँ पर। मैंने अभी भी थोड़ा बहुत डैमेज ले लिया है। एक काम करते हैं,
मैं पिज्जा खाने की कोशिश करूं कि ना आते उन्हों एक काम करते हैं पिज्जा को रखते हैं, क्या पता इसके बाद इसका कोई और खतरनाक वाला प्लान हो और उससे हमारी हेल्थ चली गई ना, तो पिज्जा अपने खतरनाक लेवल का काम आ सकता है। वी आर डूइंग सो गुड, वी आर डूइंग सो गुड। अरे मैंने अपने आप को जिंक्स कर दिया यार, जैसे मैंने बोला ना कि वी आर डूइंग सो गुड तभी मैंने डैमेज ले लिया। और ये क्या कर रही है भाई, ये कौन सा फटका इसने चला कर रखा हुआ है, खत्म हो गई, मैंने सर्किट ब्लास्ट कर दिया ना, मदरबोर्ड फट गया ना इसका, मैंने बोल कर रखा था कि इतना ऐसे ऐसे मत कर। Enough. Okay. नहीं, इसने मेरे को धक्का दे दिया। No. अरे हम स्केरी लैरी को बचाने के लिए आए थे तेरे कहर से। कौन बचा रहा है मेरे को, स्केरी लैरी? बंदा समझ गया अपना स्वैग ब्रो, बंदे को पता लग चुका है कि हम इसी के लिए यहाँ पर आए थे। और आई थिंक ये थी हमारी सीक्रेट लैरी की स्केरी, नॉट स्केरी, सीक्रेट लैरी की सीक्रेट वाली एंडिंग। ब्रेक इन टू, यू सर्वाइव्ड एंड नाउ वी आर बैक इन टू द लॉबी। क्या बात है, पैसे देख रहे हो, मेरे पास 670 कॉइन्स है अभी भी, और मैं ना कुछ ले भी नहीं पाया था क्योंकि किसी नूबड़े बंदे ने बाहर से पावर ऑन नहीं की और पावर ऑन ना होने के कारण अपने सारे फाटक जो है बंद हो गए थे। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, हमने सीक्रेट जो है एंडिंग भी इसकी पार करके रखी हुई है। तो चलिए गाइस, छोटी सी बड़ी तरह काफी है, मेरे को तो बहुत 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 ज़्यादा मजा आया। इसकी अभी एक और एंडिंग बाकी है और वो है ईवल एंडिंग, तो अगर आपको उसका पार्ट देखते हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट से ईवल एंडिंग टाइप करके सेंड कीजिए। और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में। चिल्लान, टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।